पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज, आई एम योर होस्ट मिसबा आजम। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जनाब रियाज हक साहब, जनाब अली हसन समंतूर साहब तशरीफ फरमा है। हम लोगों के पास कुछ टॉपिक्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, कुछ टॉपिक्स हैं अमेरिका से रिलेटेड, तो उसके ऊपर सब पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जरा सा थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आजकल सारे पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, टॉप पॉलिटिशियंस, वो इंग्लैंड में पहुंचे हुए हैं। और अब कोई सवाल ये है कि वो वहाँ क्या करने गए हैं, वहाँ पर क्या एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाने गए हैं या कोई मुकमुका होने जा रहा है। मतलब अभी पाकिस्तान में इन सब चीज़ों का भी तो पता चलता नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और देखते हैं हमारे पैनलिस्ट उस पर क्या कहते हैं। उसके बाद हम ज़रा बात करेंगे कि जो भारत की और US की जो डील हुई है, मिलिट्री डील हुई है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, जिसके अंदर कुछ F-16 बनाने का, 100 F-16 बनाने का कहा गया है, जो कि इंडिया में बनेगा, वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होगा। फिर एक LSA जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, वो हुआ है, जिसके तहत अमेरिकन शिप्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पर अपना रिफ्यूलिंग कर सकेंगे और इंडियन जो हैं वो अमेरिकन बेसिस पे जा सकेंगे। और उसमें वो कोई बहुत बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उसके तहत अगर इनविटेशंस होंगे तो वो इंडिया की तरफ से इनविटेशन होगा, तो अमेरिकन ट्रूप्स उनके बेसिस पर भी जा सकेंगे। इसके बाद जो आप लोग नोट कर ही रहे होंगे अखबारों में आजकल, जो कि इलेक्शन में, US इलेक्शन में, जो कि रिपब्लिकन पार्टी में जो कुछ हो रहा है, जो कि अब एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि जो कि ट्रंप साहब हैं उनकी और जो इस्टेब्लिशमेंट है रिपब्लिकन पार्टी की, उसके अंदर जो इश्यूज हैं उनके दरमियान, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग ये भी करेंगे कि डेमोक्रेट पार्टी में जो कैसे जा रही हैं चीज़ें और उसमें क्या होने के इम्कान मौजूद हैं। फिर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे राजनपुर को, वहाँ जो कच्ची के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है, पहले पुलिस ने किया ऑपरेशन, उसके बाद फिर अब जो है कहा जा रहा है कि मिलिट्री ने ले लिया है, और उसके ऊपर पुलिस के ऊपर काफ़ी बातें की गई, बड़ी उनके लिए उनको डिमोरलाइज किया गया। हमारे मीडिया में बैठ के लोगों ने, बड़े बड़े जो गादरी आके बैठे और उन्होंने उसकी बड़ी उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। लग ये रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो हो रहा है एक्चुअल चीज़ें वहाँ पर, वो ज़्यादा बताई नहीं जा रही बाहर, और उसकी कोई वजह हो सकता है हो तो वो उसके ऊपर, अगर इफ़ टाइम परमिट्स वी विल टॉक अबाउट इट। तो चलिए ज़रा बात करते हैं रियाज हक साहब, ज़रा आप समझाइए कि हमारे नाज़रीन को, ये क्या सारे सियासतदान एक साथ वहाँ पहुँचे एक ही हवाई जहाज़ में, सुना इस्माइल्स भी पास किए एक दूसरे को, और अब ये मत कहिएगा कि आपने ये भी सुना है कि साथ में बैठ के चाय भी पी हवाई जहाज में, तो ज़रा बताइए क्या हो रहा है। तो खबरें काफ़ी गर्म हैं कि एक तो ये है कि ये फॉरेन पैनामा लीक्स के बाद ये हुआ है, और नवाज शरीफ साहब की पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि भाई ये मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, और पहली बार उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इनको बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हुए थे, सुना है कि ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह हुई थी इनकी, मेजर सर्जरी हुई थी, तो ये पहले कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया था इस बात को, पहली बार अभी उन्होंने एक्नॉलेज किया और कह रहे हैं कि उसके चेकअप के लिए गए कि सब ठीक है या नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी अफवाहें हैं कि ये अजरदारी साहब से मिलने गए हैं, एक बल्कि किसी इंटरेस्टिंग कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया कि जनाब अजरदारी साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं अपना बड़े सेज के तौर पे, और नवाज शरीफ साहब बड़ा झुक के उनका हाथ चूम रहे हैं जी, मैंने देखा, और उनसे कह रहे हैं कि ओ वाइज वन प्लीज गिव मी सम एडवाइस। तो क्योंकि जाहिर है कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी बड़े पुराने इन चीज़ों के, क्योंकि उन पे भी बड़े सारे चार्जेस लगते आए हैं जो उन पे लग रहे हैं आजकल। तो अब जाहिर है कि इनको परेशानी है। दूसरे ये है कि इनको इमरान खान से बड़े खायफ हैं ये कि भाई वो दोबारा कुछ, हाँ सही बात, पिछली बार जो है जब इमरान खान ने धरना वगैरह किया था तो पीपल्स पार्टी ने इनको बड़ा ओपनली सपोर्ट किया था, इस बार इनको थोड़ी सी फिक्र है कि पता नहीं सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, इसलिए कि पाकिस्तान में जनाब वो जो एतज़ाज़ अहसन साहब इन पे ऊपर बड़े
पे दर पे हमले कर रहे हैं आजकल। हाँ नहीं, वो जो खबर आप बता रहे हैं मतलब कि वो वहाँ मिलेंगे, वो एजाज अहसन साहब ही ने उड़ाई थी वो। हाँ लेकिन जब इनसे पूछा गया, जब ये लंदन पहुंचे इनसे पूछा गया क्या जरदारी साहब से मिलेंगे, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। हाँ नहीं, मगर डिनाई करने की जरूरत नहीं होती ना। नहीं क्योंकि एक चीज बताइए रियाज साहब के देखिए इमरान खान भी वहाँ मौजूद है, बल्कि इमरान खान और हाँ ऑलरेडी आपको मालूम है कि वही रहते ही वही है अल्ताफ हुसैन साहब। तो अब जनाब ये सब के सब एक तरह से अगर आप देखें पाकिस्तान की जो चार बड़ी पार्टीज हैं उनके चारों के जो हेड्स हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। तारिक कादरी साहब नहीं है, वो तो कोई बड़ी पार्टी वार्टी नहीं है ना उनकी, मगर वो मौका नहीं जाया करते ना इस तरह। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में वो काफी डिसिल्यूजन है इमरान खान से, हो सकता है इस बार ज्वाइन ना करें। और ये भी बात है कि जो उन्होंने जो उस पे हमला किया था पार्लियामेंट पे, कहा ये जाता है कि गवर्नमेंट ने उनको बता दिया कि भाई साहब अगर आप आए पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट करने के लिए तो हमारे पास केसेस मौजूद हैं आपके खिलाफ। और नहीं वो केसेस से तो है नहीं डरते वो, नहीं मगर करेंगे जो करना होता है ना, मतलब एक उसका वो पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे ही उड़ाता रहता है कि केसेस ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा अभी हजारों की तादाद में लोग ऐसे ही बोर्ड हैं और जनाब सब चीजें डिस्ट्रॉय करके चले गए वहाँ इस्लामाबाद में, कुछ नहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ तो कुछ केसेस ऐसे कुछ नहीं होते वहाँ। हाँ ये पीरी मुरीदी गानों से तो लोग करते हैं ऐसे भी तो वो तो अली तो ये बताइए कि देखिए द वे आई सी इट के जो जरदारी साहब हैं, मुझे इस चीज में इतनी सदाकत इसलिए नहीं लगती है जो मीडिया की खबर बता रहे थे रियाज भाई, कि मुझे इसमें सदाकत इसलिए इतनी नहीं लगती कि वो स्पेशली गए उनसे मिलने। कि देखिए आप जरदारी साहब के शूज में जाइए तो आपके लिए कौन बेहतर है, आर्मी या नवाज शरीफ साहब? तो मतलब यार के मैंने तो एक पहले भी एक दफ़ा ये आर्गूमेंट किया था और ये कहा जाता है मीडिया पे हर वक्त के जरदारी साहब ने उन्हें बचाया और उनकी उन पर एहसान किया, लेकिन जरदारी साहब तो कभी नहीं जाएंगे उनके अगेंस्ट। मतलब वो तो कितना लड़े कुछ करें, अगर जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में आएगी तो उन्हें पता है कि यार अगर डेमोक्रेसी गई तो उनकी तो और बुरी हाल होगी कि वो तो यार और ज्यादा मुसीबत में आएंगे, तो वो तो उनको सपोर्ट करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जो एतजाज अहसन साहब हैं ये जो इनका केस डिफेंड कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन साहब का, आपको नाम पता होगा उनका, और उसमें जितने भी लोग हैं वो उनसे ये बड़े खाइफ हैं, बड़े नाराज हैं, क्योंकि एतजाज अहसन जो है कि भाई उनके मुखालफीन से, क्योंकि वो केस जो है काफी कमजोर है या क्या बात है मुझे इसका तो डिटेल्स नहीं पता, तो जरा मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए और इसके ऊपर भी थोड़ा सा। नहीं मैं तो समझ रहा हूँ कि ये जो इस कदर जो है अफवाहें फैल रही हैं ये जो है काफी बेबुनियाद सी जो है बातें हैं। ये एक तो जो पानामा लीक्स है उसका जो है वाजे नहीं हो पाया, कुछ ऐसा मुकदमा नहीं बन के आ पाया कि भाई हमें केस मालूम हो जाए कि ये जो है वो खराबी कुछ है और इसकी वजह से जो है ये, लेकिन असर हो क्या रहा है। अफवाह किस तरह की, अफवाह इस तरह की है कि साहब जो है वो जिस तरीके से जरदारी फौज से टक्कर लेके एकदम से भागे, उसी तरीके से ये भी जो है वो अब एक तरीके से यानी कि फौज जो अफवाहें फैलाने वाले, उनके ख्याल में फौज एक शफाफ इदारा है जो कि चाहेगा कि जमहूरियत में भी जो है वो शफाफियत आ जाए, चुनांचे इनको किसी तरह का खतरा हुआ ये तो मेरा ये ख्याल है किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। या तो एक बात बिल्कुल वाजे हो जाए कि भाई ये है यहाँ पर जो है वो खुर्द-बुर्द हुआ और उसके बाद जो है देखिए पैसा इस तरीके से गया और ये फिर इसके शवाहिद हैं पनामा लीक्स के अंदर जो है ना ये जो कंपनी है इस तरीके से, तो वो बात वाजे नहीं है। तो मेरा ख्याल में ऐसा कोई खतरा नहीं है, जो कहा जा रहा है उसको कबूल किया जाए, वो वाकई जो है गए होंगे वो उसके वो अपने जो भी उनका इलाज के सिलसिले में। यानी क्योंकि ये र्यूमर जरूर थी कि इनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी इलेक्शन में आने से पहले, लेकिन ये लोग इसको डिनाई कर देते। तो रियाज साहब फिर आप जरा इसी बात पर जरा तबसरा फरमाइए कि मतलब जरदारी साहब के लिए तो यही बेहतर है ना कि मतलब कोई ऐसी सिस्टम ना आए जो कि सियासी लोग कंट्रोल ना कर रहे, आप क्या समझते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है लीक्स में। अच्छा मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जो तीन कंपनियां हैं इनके नाम से लिंक हुई है, इनको ये डिनाई करते थे
कि ये हमारी नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अभी एक आजकल 1999 का एक इंटरव्यू बीबीसी हार्ड टॉक पे टिम सेबेस्टियन के साथ, मैं तो करा देता हूँ इसका। अच्छा, तो ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि इनका है ये। अच्छा अच्छा, और जब से अब तक इनका ये पोजीशन थी कि हमारा कुछ नहीं है, वी डोंट ओन, वी हैव नो कंपनीज। अब जब ये निकल के आ गई ये बात, खुल्लम खुल्ला साफ आ गई, अब तो डिनाई नहीं कर सकते। आप तो वो कह रहे हैं कि उन्हीं के हैं। हाँ, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने सालों से इनके थे तो अभी इनको क्यों हेजिटेशन था एक्नॉलेज करने। सही बात, इतना वक्त क्यों लगाएंगे। नहीं, और जो वो है इलेक्शन कमीशन में जो पेपर्स हैं उसमें यही तो सारी, उसमें जो बल्कि जो 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 सिग्नेचर्स हैं कि वो मरियम नवाज शरीफ के हैं कि भाई ये शी इज द सोल शेयर होल्डर of these companies. That's true. तो अब सवाल ये कि ये तो आपकी फैमिली में है ना? नहीं, that's true. ये कहना भी मेरी नहीं है, मेरे तो बेटों की है या बेटी की, ये क्या बात हुई? नहीं, मतलब वो तो चीज़, तो वो मसला जो है ना, this is clearly a problem. You're right. और इसीलिए इसीलिए ये परेशान है इस वक्त की बात खुल के आ गई है। अच्छा, वो अपना अगर पहले आप वाजे कर दीजिए ना कि भाई ठीक है, आप ये बता कह सकते हैं कि पहले वो इकरार नहीं कर रहे थे, कि क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए ना इलेक्शन में। क्योंकि आप अगर मतलब बाय लॉ अगर आप ना करें ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा, मैं देखूंगा इन कवानीन को कि क्या है ये सब नए कानून। लेकिन जो है ये बने थे, असल बात ये है कि यहाँ हुआ ये, बल्कि एसेट डिक्लेरेशन का जो पेज है सुना है वो गायब हो गया वहाँ से। अब नहीं, वो कह रहे हैं कि मतलब वो तो एक र्यूमर है कि बहुत सारे एमएनएस के और एमपीएस के पेजेस जो है गायब हो रहे हैं स्लोली, मगर उसके ऊपर अभी मैं देख रहा था ट्वीट किसी मीडिया के कुछ लोगों का, नसीम जहरा का है, और वो यही कह रही थी कि इफ इट इज ट्रू, I don't remember if Naseem Zahra or somebody else ke, but that's what they are saying ke, if it is true, but dekhe, it is clearly a problem here. Yeah. Ye kehna ke problem hi nahi hai, galat baat. Nee, there is a problem. Okay. I agree with you. Achha, agree with you. Dusri baat samajhne ki ye hai ke jab bhi aap kisi agar wahan maulvi hazrat ko galat kaam kare na, usse wo nishandahi kare, unko pakadna chahe, to wo foran ye shor macha lete hain ke Islam khatre mein hai. Isi tarah jo siyasatdan wahan ke aise कि इनके खिलाफ अगर कोई चीज नजर आ रही हो ना कि इन्होंने गलत काम किया है कुछ और उसकी निशान नहीं हो, तो ये फौरन कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। तो ये एक मसला चल रहा है मुस्तकिल। हाँ, नहीं, दैट्स ट्रू। जमहूरियत का ऐसा होता है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें प्रॉब्लम्स हैं। अब आजकल देखिए ब्राजील में क्या हो रहा है मसला, दैट्स ट्रू, कि वहां उनकी जो प्रेसिडेंट है डिल्मा रूस है उसके खिलाफ जनाब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है पार्लियामेंट ने। और फनी चीज ये है, उस पर इल्जाम ये नहीं कि उसने खुद कुछ लिया अपने लिए, उस पर इल्जाम ये है डिल्मा रूसेफ के ऊपर कि इन्होंने गवर्नमेंट की जो फिगर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया टू मेक द इकॉनमी लुक बेटर देन इट इज। नहीं, और भी फायदा था कि फायदा उन्होंने उठाया, दैट्स ट्रू, और भी मतलब इनका। दूसरी बात ये है कि जो पार्लियामेंट जो इनकी जो कांग्रेस जो बैठी हुई है जजमेंट में इसका, उसमें 60% ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कांग्रेस हैव सीरियस charges of they're facing, yeah, you know, kidnapping, murder, corruption, extortion, that's true, money laundering, it's like the serious charges. तो इन developing मुल्कों में ये होता है कि जमहूरियत जो है ना वो ऐसे ही होती है, लेकिन उसको टाइम लगता है। अमेरिका में भी शुरू में यहाँ पर बड़े सारे स्कैंडल्स होते थे, बड़ी चोरी चकारी में ये स्मोकिंग रूम्स ऑफ शिकागो, वहाँ पे बैठ के सारे डिसीजंस हो जाते थे, और उसमें शामिल होते हैं कीटिंग सिक्स और ये सब चीजें, हमें आपको पता ही है वो सब। लेकिन ये है कि इन्होंने आखिर प्रूफ किया सिस्टम को, फाइट करते रहे, अभी बल्कि बहुत सारी इश्यूज हैं यहाँ पर जिसको जो जो सैंडर्स साहब हैं ये पॉइंट आउट करते रहते हैं कि कितना करप्शन है सिस्टम में, तो वहां भी करप्शन है। इसको एंड करने का जो तरीका आखिर में यही होगा कि इलेक्शंस हों, लोग जो है ना इनको क्लेंस करें, और नेमिंग एंड शेमिंग बड़ा जरूरी है। यू आर राइट, ये जो है कि गलत काम करे कोई तो उसका एक्सपोज हो, तो एक्सपोज हो, एक्सपोज हो। उसके नतीजे में ये उम्मीद ये की जा सकती है कि ये
लीडर्स जो है ना ये दे विल हेसिटेट दैट्स ट्रू या इन कमिटी दिस क्राइम तो मैं अगले टॉपिक जाऊंगा अली आप कुछ कह रहे थे आप जरा नहीं बात सिर्फ जो है वो ये बात कह रहा था कि उन्होंने कहा कि जो है मसला यकीनन एक है लेकिन ये वो मसला नहीं है कि जो कि खड़ा किया गया कि साहब देखिए ये वाज़े सबूत है बदनवानी का रिश्वत सितानी का गबन का कि भाई ये जो है पैसा उस वो पैसा है जो कि पाकिस्तान से लूट के हाँ नहीं उसकी अभी कुछ पता नहीं उसका भी फोरेंसिक अकाउंटिंग इसकी हो चुकी है इससे पहले ये जब रहमान मलिक लेकिन यार रहमान उन्होंने परसू किया नहीं वो जो एविडेंस मौजूद है वो और इसके बारे में अभी भी सामने अगर आप रेमंड बेकर की किताब पढ़ें हां मैंने पढ़ी है रेमंड बेकर की किताब इज नॉट अ गुड कैपिटलिज्म अकिलीज हील अकिलीज हील आई मैंने पढ़ी मेरे पास स्पेसिफिक रेफरेंसेस हैं कि जनाब इनकी वीक की डील हुई नहीं वो वो $53 million उसमें हां नहीं मगर उसमें तो यार ये भी जो M1 और M2 बने उसमें $160 million बट 2000 उन्होंने ये किया है अकिलीज हील्स में उन्होंने हील में ये किया है कि 8 साइटेशंस दी हैं इनके खिलाफ 8 में से 4 साइटेशन रहमान मलिक के इंटरव्यूज हैं एक साइटेशन है जो कि मुशर्रफ साहब ने जब वो नैब बनाई थी उसमें जो चार्जेस लगाए थे फिर न्यूज है और वो MQM की वेबसाइट से कट एंड मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया किस तरह ये सिस्टम चलता है नहीं उन्होंने पाकिस्तान उन्होंने पूरी दुनिया में जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स आपके लोग इस तरह बेईमानी करते हैं उसका पूरा सिस्टम है क्योंकि ये खुद नाइजीरिया में एक तरीका जो है ये है जो बड़ा कॉमन है ये इन थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में ये चोरी करते हैं ये लोग ओवर इन्वेस्टिंग का कहते हैं आप कोई बाहर से कुछ खरीद रहे और उनसे कहा कि अच्छा बड़ा सा इनवॉइस देख दो इसका तो जो भी एक्चुअल प्राइस है उससे 10-20% ज्यादा अच्छा पैसे जाहिर है जा रहे हैं यहां से आपके पे कर रहे हैं आप उसको फिर बीच में मिडलमैन के थ्रू ये डील्स करते हैं वो मिडलमैन जो है वो इनका होता है हां नहीं दैट्स ट्रू ठीक है अच्छा दूसरी बात हमने की अब ये मैं भी देखा पिछले साल मसलन पाकिस्तानियों ने जो दुनिया भर में बेचारे काम करते हैं मेहनत करते हैं अपनी खून पसीने की कमाई वहां भेजते हैं $20 billion पाकिस्तान भेजे हाँ नहीं दैट्स ट्रू स्पेशली अरब कंट्रीज से और इन सब जगहों से ऑल दैट मनी एंड्स अप इन दीस फॉरेन अकाउंट्स इसलिए कि ये लोग जब ओवर इनवॉइसिंग करते हैं कमीशन लेते हैं वो पैसा कहने को तो पे किया इन्होंने किसी चीज को खरीदने के लिए लेकिन इट एंड्स अप इन देयर अकाउंट्स तो ये इस कदर अनकॉन्शनेबल चीज है ये और फिर पाकिस्तान जब मुस्तकिल जनाब मोहताज रहता है IMF का ये तो पैसा ही नहीं है अगर ये सब चीजों को कंट्रोल किया जाए इस तरह की बेईमानी और चोरियों को और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये दुनिया में ये सिर्फ यही नहीं कर रहे और भी लीडर्स ये कर रहे हैं जितने भी दैट्स ट्रू सब में बहुत चोरी बेईमानी बहुत ज्यादा है दैट्स ट्रू और उन्होंने जो है उन्होंने रेमंड बेकर की जो किताब है वो एक उन्होंने एक जनरल एटीट्यूड बताया इन सारे लोगों और फिर स्पेसिफिक केसेस साइट और फिर उसके बाद उन्होंने क्योंकि अब नवाज शरीफ पे 3 pages हैं 430 सफे की किताब में 3 सफे हैं फिर 3 सफे मुशर्रफ के ऊपर भी हैं यानी कि उनकी गवर्नमेंट की भी उन्होंने हर चीज को लिखा है लेकिन मतलब यह है कि एक मसला है नहीं सीरियस मसला है या और इसको एड्रेस करने की जरूरत है अगर आप ये कहते रहेंगे नहीं तो कोई मसला ही नहीं है नहीं नहीं तो फिर ये मसला हल नहीं होगा नहीं यू आर राइट आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट फॉर श्योर तो अगले टॉपिक पे चलते हैं ख्वातीन और हजरात इंडिया और US की जो नई डील्स हुई हैं मिलिट्री डील्स हुई हैं जिसके अंदर मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि कुछ 100 F-16s बनाएंगे और जिसे कहते हैं LSA एक है एक और डील है कि जिसमें जो है लॉजिस्टिक्स में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो मैं अली आपकी आप शुरू आप कुछ मेरा तो एक बड़ा एक अमूमी सा जो मैं आपको उसका जवाब ये दूंगा और वो ये है कि दो चीजें एक तो आप अगर पाकिस्तान में देखें तो एक तरीके से एक रकाबत का जज्बा है कि आखिर ये अमरीका और जो है भारत इतने करीब जो है क्यों आ रहे हैं तो अव्वल तो ये कि अगर एक आम मुबसर के तौर पे देखूं तो मेरा तो ख्याल है कि हिंदुस्तान को भारत को ये सारे सिलसिले में पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन अगर जो है पाकिस्तान नुक्ते नजर से देखें तो इसमें जो है अब कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं है किसी किस्म का क्योंकि क्या होता है पाकिस्तान के पास क्या है पाकिस्तान के पास जो है वो हलीफ है चीन अब वो चाहेंगे कि चीन से भी कुछ वो इसी तरह की कुछ तैयारियां करें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है इस किस्म के मुकाबले की अगर जो है भारत ने अपना ये बना लिया है मुस्तकबिल के वो अपने आप को देखते हैं उस इलाके में एक बड़ी जंगी ताकत के तौर के ऊपर जो कि बहुत यानी कि अफसोसनाक बात है ये तो करने दें उनको ये
आप जो है अपना काम से उनसे कर रहा है, वो तो जो एनडीटीवी में दो तीन दिन पहले सुन रहा था उसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि भाई चाइना की जो साउथ चाइना में बढ़ती हुई हेजेमनी कोट एंड कोट वो उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जो है भारत को वो चाहता है, वो तो पाकिस्तान के लिए कर ही नहीं रहा। नहीं मगर पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह होता है ना कि चाहे जो है वो कुछ भी काम किया जाए अगर जो है वो वहां पर जौहरी धमाके होते हैं तो उसको फौरन अपने तौर के ऊपर लिया जाता है। मगर वो तो एक डिटरेंस की रीजन होती है, तो इसीलिए जो है वो ये बात बहुत से मुबसरीन जो है कह चुके हैं कि खुदा का वास्ता इस किस्म का कोई जो है वो आप नहीं किसी किस्म की जो हथियारों की दौड़ में आप ना पड़े पाकिस्तान के लिए, और जो है वो अपने लोगों की तरफ आप ज्यादा तवज्जो दें, अपना डिफेंस बजट जो है कम करें, अपना जो है उसका तालीम का और दूसरी चीजों का जो बजट बढ़ाएं। तो रिया साहब आप कैसे देख रहे हैं आप, मतलब ये जो कुछ कर रहा है अमरीका इंडिया के साथ तो ये ऐसे ही है जैसे कि अमरीका ने रशिया के खिलाफ चाइना कार्ड यूज किया था ये निक्सन के जमाने में, क्योंकि रशिया की ताकत बढ़ती जा रही थी, चाइना और रशिया में कुछ आपस में झगड़ा था, तो उन्होंने कहा चाइनीज से हम ताल्लुकात बढ़ाते हैं ताकि रशिया के खिलाफ इनको यूज कर सके। तो अब बेसिकली वही सिनेरियो है, लेकिन अब जो है अमेरिका इंडिया को यूज करना है, बेसिकली चाइना के खिलाफ इंडिया कार्ड यूज कर रहा है एसेंशियली। लेकिन इंडियंस का मसला ये है कि जब वहां गया ये तो सबसे ज्यादा जो सवाल थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उनसे जो एश कार्टर से जो सवाल हो रहे थे वो सब पाकिस्तान के बारे में, तो क्या आपने पाकिस्तान को 8 F-16 दिया, वो कह रहे हैं हम 100 आपको दे रहे हैं, अमेरिका का फोकस जो है वो ये कि इंडिया कार्ड यूज किया जाए चाइना के खिलाफ, इंडियंस को ये फिक्र है कि पाकिस्तान को तुमने 8 F-16 क्यों दे दिए, हमें तो 100 दे रहे हो। साथ साथ ये भी है कि वो ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को डीहाइफनेट करो, बड़ी डिमांड है उनकी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि डीहाइफनेट करो, दूसरी तरफ सवाल सब पाकिस्तान के बारे में होते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया एश कार्टर, हाँ तो उसने तो कहा कि भाई वहां पर वो होगा अगर टेररिज्म होगा तो आपके कंट्री में, इससे बड़ी बात की उन्होंने ये कहा कि भाई आपके रशिया से ताल्लुकात हैं इंडिया के, क्या हम कहते हैं कि आप ताल्लुकात इसी तरह हमारे जो है पाकिस्तान से, आपको ये नहीं कहना चाहिए आप पाकिस्तान से ताल्लुक रख रहे, तो बड़ा साफ साफ से जवाब दे दिया उन्होंने इस मसले। हाँ नहीं दैट्स ट्रू कि एक तरह का ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है कॉन्वर्सेशन, और पता चलेगा आने वाले दिनों में कि कितना उसका पैरानोया होता है पाकिस्तान में और कितना इंडिया में। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं ज़रा, जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क का मतलब हम लोग अमरीकन हैं, हम लोग तीनों यहाँ बैठे हुए, तो हम लोग के यहाँ जो हो रहा है जो इलेक्शन हो रहा है, रियाज साहब आप शुरू कीजिए, मैं सवाल क्या करूं आपसे, क्या करवा रहे हैं आप, क्या हो रहा है जीओपी में, ये सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है गुज़श्ता हफ्ते या डेढ़ हफ्ते का वो ये है कि ये तो लग रहा था कि ट्रंप में, डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन फ्रंट रनर है उनमें और रिपब्लिकन पार्टी एस्टेब्लिशमेंट में टेंशन है, टेंशन थी वो तो लग रहा था, लेकिन अब खुल के आ गया, अच्छा, क्योंकि उन्होंने ओपनली अक्यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी, नहीं अब तो बाकायदा से खुल्लम खुल्ला कि ये जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पूरा सिस्टम रिग्ड है और ये इसमें शामिल है साजिश में रिपब्लिकन पार्टी एस्टेब्लिशमेंट, जिस पर रेंस प्रीबस ने जवाब भी दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिस्टम जो पहले से एस्टेब्लिश है, डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए सिस्टम क्या है, वो कुछ ही नहीं हुआ है। और ये खासतौर पर जब ये कोलोराडो में जो कॉकस हुआ उसके बाद जो तमाम के तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो टेड क्रूज को मिल गए, दैट्स ट्रू, तो इनको बड़ा गुस्सा आया इन पे कि ये कैसे हो गया। अच्छा हो ये रहा है कि कोलोराडो तो विनर टेक ऑल स्टेट है ना, नहीं 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 वहाँ कॉकस में अलग ही सिस्टम होता है, कॉकस में तो जो भी इलेक्ट हो जाए डेलीगेट वो आपका, अच्छा, तो अब मसला ये असल में दो तरह के प्राइमरीज हैं, एक तो बाकायदा वोटिंग होती है, दूसरा जो है ना वो कॉकस करते हैं जो लोग आपस में मिल के बैठते हैं, अच्छा, और बात करते हैं कि भाई किसको, लेकिन 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये रूल है कि अगर तो रिपब्लिकन के लिए है वो होगा विनर टेक ऑल, भी विनर टेक ऑल, वो दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन यहां ये है कि जहां जहां स्टेट्स में कॉकसेस हुए वहां हर जगह डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, आयोवा में हार गए और दैट्स ट्रू, और उसकी वजह ये है कि जो कॉकसेस में आमतौर पर आते हैं वो पार्टी एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो पार्टी एक्टिविस्ट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते,
और दूसरी बात यह है, इसको कहते हैं ग्राउंड गेम यहाँ पर, इसमें टेड क्रूज ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब ये खुल्लम खुल्ला इनके सामने आ गया। तो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ वो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि रिग्ड है सब कुछ, तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही रिग्ड है मेरे खिलाफ। सही बात है अली। नहीं, मैं तो जैसे ये बात हो रही है कि पहले से ये सारे मसाइल जो है चल रहे थे, और उन्होंने पहले भी जो है ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मुझे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं मिली तो मैं खुद जो है अपने तौर के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसको भी उन्होंने बात कही। अब जो है वो ये है सिलसिला कि रिपब्लिकन पार्टी को क्या वो लेके डूबेंगे या खुद वो जो है अपने तौर के ऊपर डूबेंगे। वो जाहिर बात है रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती कि जो है वो लेके डूबे, लेकिन आखिर में जो है ना होना तो है उनका एक कन्वेंशन जिसके अंदर जो है पूरी जो है आखिर में ये बात तय होनी है कि कौन किसके पास जो है वो ज्यादा उनके जो है डेलीगेट्स हैं, तो वहां तक जो है बात जानी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स में क्या हो रहा है? डेमोक्रेट्स के अंदर जो है वो एक बहुत ही अच्छी जो बहस हो रही है जो कि जिसमें के बहुत से लोगों की हमारी तरह के इमिग्रेंट्स की जो है वो दिलचस्पी है, उसमें जो है वो है इसराइल की सपोर्ट के बारे में। अच्छा। कि कौन कैंडिडेट जो है वो किस तरह की जो है सपोर्ट करता है वो, और उसके अंदर जो है कुछ ऐसा नजर आया कि हालांकि बर्नी सैंडर्स खुद जो है वो एक यहूदी हैं, उसके बावजूद जो है वो ज्यादा एक एतदाल पसंद किस्म के उम्मीदवार नजर आते हैं, जो कि उनका नजर आता है कि भाई ये कम से कम फलस्तीनियों के हकूक की भी जो है बात करते हैं। उसके मुकाबले में जो है वो हिलरी क्लिंटन ज्यादा नजर आती हैं कि वो मुकम्मल तौर पे जो है इसराइल की सपोर्ट कर रही हैं, और वो उनका मेरा ख्याल हाँ, लेकिन ये है कि ना होने की वजह से यहूदी ज्यादा साबित करना है अपने आप को कि हम जो है वो यही मैं भी कहने वाला था। तो ये जो है हो रहा है वहां पर। त्रयास साहब आप कैसे देख रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को? असल में सैंडर्स इज वेरी इंस्पिरेशनल। अगर आप देखें तो यंग लोग जो है ना उनको तो बड़ा इन्होंने एक्साइट कर दिया है, बहुत इंस्पायर कर दिया है। In some ways, similar to what Obama did 8 years ago, you know, when he talked about change. तो इनकी जो supporters हैं बिल्कुल ज़्यादातर young लोग हैं, बड़ी तादाद में इनके लिए vote देने आते हैं। Turnout जो है वो काफ़ी बढ़ गया है Democratic Party में because of Sanders' appeal. तो Sanders जो issues उठा रहे हैं वो तो बिल्कुल relevant हैं आम आदमी के लिए। सही बात है। और वो सीधी सीधी बात करते हैं, हम असल उनसे कहते हैं कि यार ये तुम एक फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर की बात करते हो, कहाँ से होगी, कहाँ से पैसे आएंगे इसके लिए? तो उनका जवाब बड़ा सीधा साधा है कि भाई देखें, हर दूसरा जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है वहां पर फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर है, सब कहीं से तो ला रहे हैं पैसे वो लोग, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उनके 50% टैक्स भी तो लेते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन ये है कि कर रहे हैं ना, जब वो कर सकते हैं तो अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, इन द एंड यू हैव टू पे फॉर थिंग्स, यू डोंट गेट एनीथिंग फॉर फ्री। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको एजुकेशन के लिए पैसे देने होंगे, आपको हेल्थ केयर के लिए पैसे देने होंगे, आपको डे केयर के लिए पैसे देने होंगे। अगर तमाम सर्विसेज ये अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, तो व्हाई नॉट पे द गवर्नमेंट एंड हैव देम डू। हाँ, लेकिन यही तो सारा, ये तो मेन डिफरेंस है सोशलिस्ट टाइप ऑफ कंट्री और यूएस में कि भाई यहाँ पर आपके पास फ्री। इसको सोशलिस्ट नहीं कहूंगा मैं, इनको कहते हैं सोशल डेमोक्रेट। सोशल डेमोक्रेट यूरोप में तो ऐसा है कि सिर्फ सोशल डेमोक्रेट्स ही नहीं, अब जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट्स थोड़ी है, एंजेला एंगेला मर्केल इज एक्चुअली अ क्रिश्चियन डेमोक्रेट, शी इज मोर सेंटर राइट। या जो डेविड कैमरन है ये कोई सोशलिस्ट वगैरह नहीं है, वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन इन चीजों पे उनमें कंसेंसस है कि ये बुनियादी जरूरियात हैं जिनको हमको पूरा करना है। इसमें ये लेबल लगाना कि ये सोशलिस्ट है और ये सोशलिस्ट इज नॉट अ बैड वर्ड, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि ये लेबल्स की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये बुनियादी जरूरियात है। अब आप कहते हैं मसलन एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आती, रिपब्लिकन कहते हैं हम बड़ा प्रो फैमिली है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है दे अपोज यू नो मैटरनिटी लीव, दैट्स ट्रू, इस टाइप की चीजें जो जो कि बड़ी अहमखाना बात है। इसी तरह बच्चों की चाइल्ड केयर, असल में एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोग यहाँ बच्चे नहीं करते हैं ज्यादा, इसकी वजह यह है कि काफी मुश्किल महंगा पड़ता है कि जनाब आपको छुट्टी नहीं मिलती, जब बच्चा बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप जनाब बैठे में, चाइल्ड केयर भी नहीं मिलती आपको उसमें। तो ये तमाम मसाइल है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ बच्चे नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, that's true.
तो अगर आप वाकई प्रो प्रो फैमिली हैं, अगर वाकई फैमिली वैल्यूज हैं आपकी, तो फिर इन चीजों पर आपको तवज्जो देनी होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ख्वातीन हज़रात, आपने हमारा शो देखा, राजनपुर पे भी हम बात थोड़ी सी कर सकते थे, लेकिन वक्त वक्त नहीं बचा। फिर चलिए उसके बाद, अभी तुम्हारी तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जैसे आखिर में रियाज साहब ने फरमाया अबाउट कि भाई यहाँ के ऊपर जो ये इश्यूज हैं, और पाकिस्तान में बैठकर शायद हमें लगता है कि चीज़ें बड़ी आसान हैं, लेकिन अगर आपके तीन बच्चे हैं और मियाँ बीवी फिर दोनों जॉब भी करते हों, तब भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनके डे केयर्स को अफोर्ड कर सकें और ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, और हमारे साथ भी हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने जॉब्स तक छोड़ दी जब उनके तीन बच्चे हो गए या तीन से ज़्यादा बच्चे हो गए, क्योंकि वो ज़्यादा फीजबल होता है कि आप एक पर्सन जो है घर पे रह ले, ताकि उनको बच्चों को डे केयर में ना भेजना पड़े। और यहाँ कैलिफोर्निया में तो, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में तो ये चीज़ और ज़्यादा महंगी है। तो ये था आज का हमारा शो। तो फिर आप हमारे साथ हमें देखते रहिए हर हफ्ते, व्यू इन व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।